हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। जैसे कि आपकी मशीन चलते चलते जाम हो गई तो उसे आप कैसे ठीक करें वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये उषा जेनोमी ड्रीम स्टिच मशीन है और ये मशीन घरेलू यूज के लिए बहुत अच्छी है। ये स्ट्रेट स्टिच के अलावा इसमें और भी फंक्शन है, जैसे कि आप पीकू कर सकते हैं, इंटरलॉक कर सकते हैं और जैसे बटन लगाना, बटन होल बनाना, ये सब आप इस मशीन से कर सकते हैं। और इसमें ये देखिए बोबिन वाइंडर है और इसमें लाइट भी लगी हुई है देखिए। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें ऑटोमेटिक नीडल थ्रेडर नहीं है तो इसमें ये कमी है। अगर आप ऑटोमेटिक नीडल थ्रेडर भी चाहते हैं तो आप उषा जेनोमी वंडर स्टिच मशीन ले सकते हैं या फिर एलूर मशीन ले सकते हैं उषा जेनोमी की। तो आइए अब हम इसमें, ये मशीन हमारी जाम चल रही है तो हम इसका धागा हम जहाँ फंसा हुआ वहाँ से निकाल देते हैं ताकि ये फ्री चलने लगे। अगर आपके इस तरह की ऑटोमेटिक मशीन और भी मशीन हो सकती है, जैसे उषा जेनोमी एलूर है या वंडर स्टिच है, तो उसमें भी अगर आपके प्रॉब्लम होगी तो आप उसे कैसे ठीक करें वो मैं आपको बता देती हूँ। इस मशीन के फंक्शन और उसके सेम होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ, इसको हम निकालेंगे। ये फ्रंट कवर खोलेंगे हम मशीन का। इस मशीन के कई वीडियो मैंने बना रखे हैं और दूसरी मशीनों पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम फेस प्लेट को बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लॉक है तो उसको आप, यदि आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर छोटा सा एक लॉक है यहाँ पे, इसको आप पहले इस तरह से निकाल दीजिए। इस तरह से देखिए निकाल दिया हमने लॉक और अब आप ऊपर से इसको आराम से निकाल दें। ये देखिए यहाँ पे ये लॉक रहता है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके अंदर है ना ये फंसा हुआ रहता है। इस हिस्से में ये जो नुक्का निकल रहा है, इस स्लॉट में ये नुक्का फंसा हुआ होता है। तो पहले आप इसको निकालिए, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप रहता है उसके बीच में से यहाँ से निकाल करके फिर आप इसको आसानी से बाहर निकाल दें। अगर आप जबरदस्ती से निकालोगे तो ये टूट सकता है। ये देखिए यहाँ पे धागा फंस जाता है। मैं आपको ट्वीजर से इसको निकाल करके बताती हूँ। ये देखिए ये धागा इसमें फंसा हुआ है, इसकी वजह से मशीन हार्ड चलती है। इसको बाहर निकालेंगे अपन इस तरह से। ये देखिए इस तरह से धागे फंस जाते हैं, इस वजह से मशीन जाम चलने लगती है। यहाँ पे फंस जाते हैं, जैसे कभी धागा टूट गया फिर वो पूरा प्रॉपर लेआउट करना, उसको बाहर निकाल के वापिस से लेआउट करना, वहीं से आप लेआउट नहीं करें। ये देखिए धीरे धीरे आप सभी धागे इस तरह से निकाल लें हैंड व्हील को चलाते हुए, जोर से आप इसको खींचे नहीं। ये देखिए इतना धागा इसमें लिपटा हुआ है, अभी तक ये निकल ही रहा है, इसीलिए हमारी मशीन हार्ड चल रही है। ये धागा क्यों फंस जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब भी हम मशीन चलाते हैं, जैसे धागा टूट गया और बीच में ही हम उसको जहाँ से टूटा वहीं से लेकर हम पिरो देते हैं, इस वजह से भी धागा बार बार इसमें फंस सकता है। तो आप पूरा धागा बाहर निकाले यहाँ तक और फिर आप उसको अच्छे से वापिस से धागे को ले आउट करें। ये धागा टूट गया और अब हम फिर से यहाँ से पकड़ लेते हैं इसको। इसमें बहुत सारा धागा फंसा हुआ है, इसकी वजह से मशीन हार्ड चल रही है। तो आप इसको हल्के हल्के धीरे धीरे से इसको घुमाएं हैंड व्हील से और फिर इस धागे को बाहर निकाल दें। ये देखिए ये इतने सारे धागे फंसे हुए थे, इसी वजह से हमारी मशीन हार्ड चल रही थी। तो जब भी आपकी मशीन हार्ड चले तो सबसे पहले आपको फ्रंट प्लेट को इसको खोल करके आपको चेक करना कि कहीं आपके धागे तो नहीं फंसे यहाँ पे, और अगर यहाँ पे धागा नहीं फंसा हुआ तो आप नीचे शटल में चेक करें कि कहीं शटल में तो धागा नहीं फंसा हुआ है।
और धागे फंसने की वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसे हम धागा बीच में यहाँ से निकल गया और हम यहीं से लेके या यहाँ तक जाके धागा टूट गया और हम यहीं से लेकर वापिस से इसको पिरो देते हैं निडल में, तभी धागा फंसता है। तो आप उसको इस तरह से ना करें और बाहर निकाल करके अच्छे से पूरा पर यहाँ तक धागा बाहर निकाल दे और यहीं से वापिस इसको पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से लेआउट करें। और दूसरा कारण है, जैसे हमने मशीन रखी हुई है और कपड़ा नहीं लगा रखा और हमने मशीन को चला दिए बहुत देर तक, तब भी धागा फंस सकता है। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी धागा फंसे आप यहाँ पे चेक करें, इसको खोल करके, प्लेट को खोल करके यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर यहाँ नहीं फंसा तो आप शटल में चेक करें। तो अब हम फेस प्लेट लगा देते हैं। फेस प्लेट लगाते समय ध्यान रखें, सबसे पहले आप यहाँ पे लॉक करें इस नुक्के के अंदर और फिर यहाँ से आप इसको फंसा दे, जबरदस्ती इसको नहीं धकेले, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से, ये देखिए इस नुक्के के अंदर ये फंस गया है। यहाँ आप अंदर से, यहाँ से देखिए, ये इस नुक्के के अंदर फंस गया है। इसको पहले इस तरह से फंसा लीजिए, फिर आप इसको यहाँ से बराबर कर दीजिए अच्छे से इस तरह से। देखिए इस तरह से आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ इसको मिला दीजिए, इस कॉलर को भी आप मिला करके भी अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से। और अब आप इसको अच्छे से, ये देखिए ये फिट हो गई है। लेकिन आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि कहीं पे भी इसको ऐसे टाइट करके और फंसा दे, नहीं तो ये क्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप आराम आराम से इसको फंसाएं। अब हम स्क्रू भी लगा देते हैं इसमें। अब मैं इसको चला करके चेक कर लेती हूँ। तो इसमें मैं आपको धागा लेआउट करना भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये थ्रेड गाइड, सबसे पहले आप धागा थ्रेड गाइड में लगाएं और फिर आप इसमें, ये देखिए यहाँ पे एरो भी दे रखा है, यहाँ पे इस एरो जैसे एरो बना रखा है, इस तरह से आपको धागे को लाना है। ये देखिए ये एरो है इधर, इस तरह से धागे को लाना, फिर यहाँ पे भी एरो दे रखा है, ये देखिए यू टर्न, इस तरह से एक यू टर्न लिया हमने। और फिर आप टेकअप लेयर को ऊपर ले आए, फिर इस तरह से टेकअप लेयर राइट साइड से आपको लेफ्ट तरफ की ओर जाना है, इस तरह से ये यू में एरो बना हुआ है। और फिर आप इसको फिर से इसको नीचे ले आइए इस तरह से, और फिर यहाँ पे एक थ्रेड गाइड दे रखा है, इसमें धागे को फंसा दीजिए इस तरह से। अब आपको धागा नीडल में डालना है। इसमें धागा डालते समय ध्यान रखिए, यहाँ ऐसे फ्रंट से धागा इसमें डलता है, देखिए इस तरह से। नीडल थ्रेडर नहीं है इस मशीन में। अब आप स्टिच चेक कर लीजिए कि आपकी मशीन कैसी चल रही है, जाम चल रही है या हल्की हो गई है। ये देखिए हमारी मशीन सॉफ्ट चल रही है, हल्की चल रही है। वो धागा फंसने की वजह से मशीन जाम हो गई थी। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।